ग्रामीण विकास मंत्रालय, अधिसूचना, नई दिल्ली 28 मार्च 2022। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपको मैं आज यहां पर बताने जा रहा हूं कि मनरेगा की एक दिन की दिहाड़ी कितनी होती है, मजदूरी दर कितनी होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जितने भी राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र के नाम होंगे, सभी मैं आप सभी को बताऊंगा और टोटली यहाँ पर कितनी दिन की मजदूरी मिलती है वो भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये लेटर 28 मार्च 2022 को यहाँ पर जनरेट हो चुका है नई दिल्ली से। मैं आप सभी को इसमें बताऊंगा केंद्रीय सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पर राज्य का नाम बताऊंगा इधर, और टोटल इधर दिन की मजदूरी कितनी है वो भी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे अधिक किस राज्य में प्रतिदिन की सैलरी है और सबसे कम किस राज्य में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आंध्र प्रदेश में 257 रुपये है और अरुणाचल प्रदेश में 216, आसाम में 229 और बिहार में 210, छत्तीसगढ़ में 204 रुपये। अगला हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गोवा पे 315 रुपये दिन के हिसाब से और गुजरात में 239, हरियाणा में 331, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग है, यहाँ पर अनुसूचित जाति का अलग है और गैर अनुसूचित जाति का अलग है 212 और 266, जम्मू कश्मीर में 227, लद्दाख में 227, झारखंड में 210, कर्नाटक में 309 रुपये, केरल में 311 रुपये, मध्य प्रदेश में 204 रुपये, महाराष्ट्र में 256 रुपये, मणिपुर में 251 रुपये, ठीक है, मणिपुर तक हम हो गए हैं, ठीक है, मणिपुर में 251, मेघालय में 230 और मिजोरम में देख सकते 233, नागालैंड में 216 नागालैंड में और उड़ीसा में 222, पंजाब में 282, राजस्थान में 231, सिक्किम में 222 रुपये और सिक्किम में एक अलग और है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी को 333 रुपये और तमिलनाडु में 281 रुपये और तेलंगाना में 257 रुपये, त्रिपुरा में 212 रुपये, उत्तर प्रदेश में 213 रुपये, उत्तराखंड में 213 रुपये, पश्चिम बंगाल में 223 रुपये, अंडमान निकोबार में 292 और अंडमान जिले के अंदर 308 रुपये, दादरी में दोस्तों आप 278 रुपये, लक्षद्वीप में 284 रुपये और पुदीचोरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 281 रुपये। टोटल ये नई रिपोर्ट है 1 मार्च 2022 आपसे जारी कर दी जाएगी, ठीक है, आप सभी को मैं नई यहाँ पर सैलरी बता देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे अधिक और सबसे कम किन राज्यों में। सबसे कम दोस्तों हमने यहाँ पर 15वें नंबर में देखा 204 रुपये।